Hi, Namaste. Welcome back, viewers. Welcome back to Intera. Market consolidation हो, sideway हो, trendy market हो. पता कैसे चलेगा? कितना तक hold करना है और कहाँ से exit करना है? और इसमें से यानी कि शॉर्ट में आपको एक्सिट करो यानी कि लॉन्ग में ट्राई करो, ये और मार्केट नीचे या आगे निकलने का चांस है, यानी कि चार्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आपको, तो देखूंगी. तो आज की वन साइड मोमेंट स्टॉक मार्केट में TCS वन साइड मोमेंट है और साथ में इन्फी वन साइड मोमेंट है. मारुति देखूँ तो कंटिन्यूसली दो दिनों से मार्केट डाउन में ही जा रही है. इस तरीके से काफ़ी अच्छा ट्रेंड यानी कि ट्रेंडिंग स्टॉक आपको आराम से चूज कर सकते हो. TCS देखूंगी तो कल से ही बाय ट्रेंड है, यानी कि कंटिन्यूएशन. कल भी यानी कि मार्केट काफ़ी मॉर्निंग में गया, ऊपर गए थे और आज भी गए थे. सेम आपको इन्फी देखूंगी तो भी ऐसा ही है, कल भी मॉर्निंग में गए थे और आज भी गए थे. सेम आपको पता नहीं चलेगा यानी कि मार्केट कितना कौन से स्टॉक में लेना है. और साथ में देखूंगी तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अगेनस्ट ट्रेंड दे रहा था. बैंक निफ्टी मॉर्निंग में बाई देने के बाद यानी कि मार्केट गैप अप में ओपन हो गए थे, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया. और सेम निफ्टी देखूंगी तो निफ्टी मार्केट यानी कि आज बाई ट्रेंड में गए थे. इस तरीके से अगेनस्ट ट्रेंड देंगे तो कैसे आपको प्रॉफिट देगा, अच्छा यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो ये आपको कैसे पता चलेगा. और साथों साथ फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ये सारा जानकारी का आंसर आज की इंटर के वीडियो में आपको मिलेगा. इसमें हमारा सॉफ्टवेयर देखूंगी तो हमारा सॉफ्टवेयर 2009 से हम स्टार्टिंग किए थे. टोटली 8 स्ट्रैटेजी इसमें आपको मिलेगा, 2 स्कैनर भी इसमें से, यानी कि वॉल्यूम स्टॉक यानी कि वॉल्यूम मोमेंटम स्टॉक आपको करेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर इंटर में पता चलेगा. यू मोमेंटम स्टॉक जानने का यानी कि मोमेंटम स्टॉक आपको पहचानने का 2 स्कैनर भी इसमें से यानी कि हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है. तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है यानी कि 8.1 है अभी फिलहाल, लो जो मैं आपको लाइव दिखा रही लेटेस्ट वर्जन है. और इसमें से यानी कि फिलहाल सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का दिखा रही हूँ. निफ्टी देख लीजिए, आज की निफ्टी की परफॉर्मेंस देख रही हूँ. तो इसमें से देख लीजिए ये ग्रीन कलर पर बाइक के सिग्नल निफ्टी में मॉर्निंग में 9:20 में दिया था. और सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए निफ्टी जैसे ही सिग्नल आए थे सॉफ्टवेयर ने बेल साउंड इफेक्ट के साथ अलर्ट मैसेज दिया था और साथ में लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स आपको ऊपर और नीचे मिलेगा. इसमें से लाइव सेक्शन यानी कि कोई भी मार्केट में आपको एक लाइव डेमो चाहिए तो कॉल कीजिए मेरे नंबर पे 8139 0999 4, मेरा सीमा कृष्णा. ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा हमारा कंपनी का एड्रेस वेबसाइट पूरा जानकारी आपको मिलेगा. तो टोटल 15,000 के ऊपर क्लाइंट बेस हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहा है. किस तरह वर्क कर रहा है उनको आराम से पता चलेगा. ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ से सब आपको मिल जाएगा. ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए निफ्टी का बाई सिग्नल अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग में 9:20 में दिया हुआ था. डिटेल्स यहाँ पे ऊपर एंट्री पॉइंट दिया है, टारगेट्स भी दिया है, सारा जानकारी आपको ऊपर और नीचे मिलेगा. इसमें से यानी कि एंट्री लेने के पहले हर जैसे ही सिग्नल आया था एंट्री लेना ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर सिग्नल दिया है तो कन्फर्मेशन लेवल चेक करके एंट्री लेना ज़रूरी है. फर्स्ट लेवल कन्फर्मेशन आपको कैंडल कलर है और सेकंड नीचे कन्फर्मेशन बार है और थर्ड प्राइस इन बाय जोन. अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बाय सिग्नल दिया था सबसे पहले आपको कैंडल कलर देखना है और सेकंड थर्ड वॉल्यूम बार और प्राइस इन बाय जोन, ये तीनों देखना ज़रूरी है. तो यहाँ पे निफ्टी में जैसे दिया था वहाँ से कन्फर्म नहीं था, कन्फर्मेशन यहाँ पे हुआ था अप्रोक्सीमेट बहुत देर के बाद कन्फर्म हुए थे. मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर गया है तो काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट में. दोनों अगेनस्ट ट्रेंड आज दे रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी, पर लास्ट में दोनों में यानी कि ब्रेकआउट मार्केट मॉर्निंग में ऊपर दिख गए थे, यानी कि लास्ट के ब्रेकआउट में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है. उसके पहले तो मार्केट आगे पीछे ऐसा होता रहा है, काफ़ी कंसोलिडेशन फिर भी प्रॉफिट मिला है. और बैंक निफ्टी देखूँ तो बैंक निफ्टी पर गैप अप में ओपन हुआ था पर बैंक निफ्टी डाउन गए थे मार्केट काफ़ी डाउन, यानी कि जब मार्केट थोड़ा सा उल्टा सीधा यानी कि सीधा नहीं था साइडवेज था पर फिर भी डाउन नहीं था. और लास्ट में इसमें यानी कि क्लोज में लगभग 3 बजे के बाद ही जो बाई सिग्नल वो दे वो तो सीधा यानी कि 100 पॉइंट्स तक मार्केट ऊपर गया. ज़बरदस्त ब्रेकआउट था लास्ट में. लास्ट में आपको यानी कि हासिल कर सकते थे अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट्स पर फिर भी 100 नहीं है तो भी 50 पॉइंट ज़रूर हासिल कर सकते. उतना अच्छा यानी कि वॉल्यूम यानी कि मार्केट उतना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा था. ओके, और साथ साथ आपको यानी कि TCS का भी परफॉर्मेंस देख लीजिए. TCS वन साइड मोमेंट है. इस तरीके से यानी कि वन साइड मोमेंट वाला स्टॉक आपको हमारा सॉफ्टवेयर की स्कैनर में मिलेगा. तो
1.1 स्कैनर यहाँ पे सेट करना है। ये स्कैनर में आपको करेक्टली जो वॉल्यूम स्टॉक आपको करेक्टली पता चलेगा। इसमें आप भी फिलहाल देख लीजिए, नेचुरल गैस के लाइव चल रही है, नेचुरल गैस में 3 ग्रीन दे रहे हैं, यानी कि नेचुरल गैस देखूंगी तो नेचुरल गैस में अभी यानी कि लगभग 1:30 बजे यानी कि सिग्नल दिया था वहाँ से सीधा ऊपर गया है, लगभग तीनों टारगेट अचीव किया है, अभी भी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो करेक्ट टाइम पर करेक्ट जो मोमेंट हमारा सॉफ्ट इंचन में आपको पता चलेगा, ये स्कैनर में, स्कैनर 1.1 में आपको करेक्टली डिटेल्स पता चलेगा। ये जो XAUSD अभी फिलहाल सेल में चल रही है, यानी कि करेक्ट टाइम पे आपको ये जो 3 एरोज रेड दे रही हूँ तो वहाँ से काफ़ी डाउन है, 3 एरो ग्रीन दे रहे तो वहाँ से सीधा मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल जो करेक्ट टाइम पे पता चलेगा। वो उसी टाइम की स्टॉक आपको ये वॉच लिस्ट में ऐड किया है तो ये वॉच लिस्ट में करेक्ट टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा, वो ट्रेड आप ले भी सकते हैं और ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और देखूंगी तो आज अप्रोक्सीमेटली यानी कि 920 में जो बाय दिया था उसके हिसाब से रेसिस्टेंस ब्रेक करके सीधा ऊपर गए थे, टोटल 142 पॉइंट्स यहाँ पे अपटर्न दिया है। और साथ में इन्फी देखूंगी, इन्फी गैप अप के साथ ओपन होने के बाद जो रेसिस्टेंस यहाँ से तोड़े थे, रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल से सीधा ऊपर गए थे, ये भी 33 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज दिया है। ओके, तो इसमें लाइव डेमो आपको देखना चाहते हो कैसे वर्कआउट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की स्ट्रैटेजी, यानी कि कैसे इसमें से सिग्नल कंफर्म होता है, कैसे कहाँ से ट्रेड करो और कैसे ट्रेड करो और कितना तक होल्ड रखो, ये जानकारी आपको डाउट लग रहा है तो कॉल कीजिए, मैं गाइड करूँगी हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो बार चार्ट में कलर चेंजेस, यानी कि कभी कभी ब्लू और वाइट, ये होलो कैनल्स, ऐसे कलर चेंजेस मिक्सअप कलर दे रही हो, वहाँ पे मार्केट रिवर्स जाने का चांस दे रही हो, तो ऐसे पोजीशन में हमेशा आपको पोजीशन कट कर सकते हैं। जो भी पोजीशन अभी लिया है अगर इनकेस मार्केट अगर रिवर्स जाने के पहले से कलर चेंजेस दे रही तो वो वहाँ से आपको कट कर सकते हो। और साथ के साथ आपको नीचे कंफर्मेशन बार भी देख सकते हो, जब तक रेड में चल यानी कि मार्केट रिवर्स होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कंफर्मेशन बार चेंज करते हुए नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपका पोर्शन ज़रूर कट करना है, तब उसी टाइम सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट मैसेज भी देगा। ओके, तो उसी के अलावा यानी कि कमोडिटी मार्केट में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम सेट करना है, पर इसका मतलब ये नहीं 5 सेट नहीं कर सकते, 5 भी सेट कर सकते हो, पर आपको 15 में एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे आज के नेचुरल गैस में देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद आज एक ही सिग्नल मिला है लगभग 1:30 बजे, अप्रोक्सीमेट 22 सिग्नल 210 में दिया था, 3 टारगेट्स नीचे मेंशन किया, अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 1 पॉइंट और 50 पॉइंट्स यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, अभी भी ऊपर जा रही हूँ, तीनों टारगेट अचीव किया, अभी भी आगे जाने का चांस यहाँ पर दे रही है। और उसी के अलावा फॉरेक्स मार्केट में हमेशा यानी कि आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, 30 मिनट्स में ही एक्यूरेसी है। तो आज की NSE/USD में आप 30 मिनट्स में देख लीजिए, मार्केट कल से ही बाई ट्रेंड दे रहा था, आज मॉर्निंग से थोड़ा सा ऊपर गए थे पर कंसोलिडेशन था मार्केट में, थोड़ा सा नीचे जाने के लिए कोशिश किया था पर वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चढ़ गए थे। अब भी फिलहाल सेल दे रही है लगभग यानी कि 12:30 बजे के बाद एक सेल दिया है पर कन्फर्म नहीं है, कैंडल भी रेड नहीं है, नीचे भी रेड नहीं है, नीचे रेड है प्राइस इन सेल्स होने पर कैंडल कलर यहाँ पर रेड नहीं है, इसके लिए नहीं ले सकते, नीचे सेल्स ऑन आने से नहीं है, कैंडल कलर भी रेड होना ज़रूरी है, यहाँ पर रेड आए थे पर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ऑरेंज बन गया है तो इसके लिए यहाँ से नहीं ले सकते, फिलहाल साइडवेज हूँ, यहाँ पे पोजीशन लेना ठीक नहीं है, पोजीशन ले लूँगी तो रिवर्स जाने का चांस भी है तो इसके लिए वहाँ से पोजीशन ले नहीं सकते हम। ओके, तो सेम ऐसे ही स्ट्रैटेजी सब में अप्लाई कर सकते हो, इसमें एक डेमो लेकर आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और डेमो के लिए कॉल कीजिए मुझे।